हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आज अंश का है पेरेंट्स मीटिंग। अंश जा रहे हैं स्कूल रिजल्ट लेने। आज उनका रिजल्ट निकल रहा है और इनकी मम्मी जा रही हैं और अंश जा रहे हैं। अब वो नए क्लास में जा रहे हैं यानी आठवीं क्लास में, तो उनका आज रिजल्ट निकल रहा है, स्कूल से मिल रहा है, वो जा रहे हैं लेने। अभी हम दिखाते हैं कि अंश क्या कर रहे हैं। अंश हो रहे हैं रेडी, अंश हो रहे हैं रेडी और अंश की हो गई मम्मी रेडी। क्या आज स्कूल जा रहे हो? आज पेरेंट्स मीटिंग हो रहे हैं, रिजल्ट भी है बच्चों का, नहीं जा रहे हैं। अंश इधर देखो, अंश तैयार हो रहे हैं, हम हो चुके हैं। क्या बजे है, जाओगे? 11 बजे जाएंगे। अन करते करते भी टाइम लगेगा ना, 10:15 हो रहा है अभी। तो हम तैयार हैं, टैक्सी जाएंगे, पापा के पास टाइम नहीं है छोड़ने का लोग का, इसीलिए अभी हम नहीं जाएंगे इनके साथ। टैक्सी जाएंगे तो आधा घंटा लग ही जाएगा। 3 बार टैक्सी बदलते हैं हम लोग। साफ सफाई कर लिया रूम का? हाँ, सब मेरा वैसे समेट दे। सही किया है ना, हाँ तक काम कर। कभी रेस्ट करना चाहिए क्यों? वैसे आज बृहस्पति है, आज तो ज्यादा काम भी नहीं है। देखो जैसे कि बिस्तर समेट दो तो कमरा साफ दिखने लगता है। हाँ वो तो है, बिस्तरी से कपड़े से कमरा गंदा दिखता है। बस ऐसे आज पोछा नहीं लगाना, कपड़ा नहीं धोना है। आज हम लोग घर में कुछ करते नहीं है, अच्छा अच्छा बनाते हैं, अच्छा अच्छा खाते हैं। देखो गाइस, अंश आ गए हैं स्कूल से अपना रिजल्ट लेकर के। मेरा रिजल्ट आ गया गाइस। हाँ बताओ भाई अंश, रिजल्ट के बारे में। बहुत अच्छे नंबर आए हैं, रिजल्ट मिला, उसके साथ फिर रसीद मिली है उन सब बुक्स की। अच्छा। और स्कूल में जब गए थे स्वागत भी हुआ था, रंग भी लगाया गया था हम लोग को। अभी मैंने छोटा आ दिया, टीका लगवाएगा। और भाई होली आ रही है ना, होली आ रही है, इसलिए अभी 24 तारीख को होली है, फिर होली खेलेंगे हम लोग। तो इसमें स्कूल में इसलिए स्वागत हुआ ना होली का? हाँ, स्वागत हुआ था। म्यूजिक बज रही थी, म्यूजिक बचा और अच्छे से, बहुत अच्छे से स्वागत हो रहा था स्कूल का। अच्छा लग रहा था स्कूल में। अब फीस भी बढ़ गई, फीस भी बढ़ गई, तो बढ़ गया। 21 था, 23 हो गया। हाँ, क्लास आगे बढ़ता है ना तो पैसे भी बढ़ते हैं। अब 8th में जाएंगे, 23 हो गई है। चलिएगा इस बने रहे ब्लॉग में, मिलते थोड़ी देर बाद। अंश के कमरे में बैठे हैं, बोतल में भर लेते हैं पानी। अब आ गई हैं गर्मियाँ, मांगते हैं फ्रिज का पानी पीने का, तो बोतल भर के फ्रिज में लगा देते हैं। कोई कोई आता है ठंडा पानी मांगता है घर में, तो अभी सब लोग नॉर्मल पानी पीते हैं। 2 बोतल सिर्फ लगा देंगे फ्रिज में, जैसे कोई आ जाता तो मांग ही लेता ठंडा पानी पीने का। काम करने वाले जैसे लेबर मिस्त्री हैं तो उनके लिए ठंडा पानी लगा देते हैं। दो बोतल सिर्फ भर के लगाते हैं फ्रिज में, बस ज़्यादा नहीं। चल रहे हैं गाइस हम लोग आलू लेने, बगल में मेरे आलू मिलता है वहीं से लेकर आ रहे हैं। फिर बनाते हैं चिप्स और मेरा आज अंश भी हेल्प करेगा। क्यों अंश? हाय गाइस, आज हम लोग चल रहे हैं सब्जी लेने। मेरी मम्मी सब्जी लेंगे, ये आलू लेंगी और वहाँ चल के हम लोग दिखाते हैं सबको भी। हाँ ठीक, इनकी मम्मी आ रही है उधर से, हम लोग चलते हैं, ये आलू लाते हैं। अभी हम लोगों घर में चिप्स नहीं बना हुआ है, आज बनाएंगे चिप्स और पापड़। यहाँ पे आ गए आलू लेने, देखो भैया दे रहे हैं कितना, 5 के 90 रुपये का 5 किलो, 90 का 5 किलो। चलो भरो, छाटिए भाई कमला, बड़ा ना लो, मीडियम लो, इतना बड़ा नहीं यार, ऐसे इसे थोड़ा ऐसे, चिप्स के लिए सही है ना ये। एक पन्नी है उसमें छाटो डलिया में।
हम लोग आ गए हैं सब्जी लेकर के। सब्जी में क्या ले लिया है? प्याज, कटहल, आलू, आलू, कद्दू, अदरक, धनिया। अब आज क्या बनेगा? आज बनेगा आलू मटर। अरे पापड़। पापड़ पापड़ में क्या? चिप्स। अरे वैसी कहते पापड़ वाला बेटा, चिप्स और पापड़ बनेगा। ये आलू आया है, अब इसका बने जा रहा है चिप्स। इसको गाइस हाँ रख लो। यहाँ पे देखो चिप्स कट रही है। हमारे यहाँ बनने जा रही थी होली की, हो रही तैयारी। हाँ ये देखो हमने डिजाइन वाला बना रहे हैं। ये देखो और एक सिंपल भी है, सिंपल भी काटा है, थोड़े थोड़े सिंपल भी हैं। मिल जाएगा क्या? हाँ ये दोनों काट रहे हैं हम लोग। एक ही दिन बना लेते हैं चिप्स और पापड़ दोनों। ये है चिप्स, दीदी बना रही हैं। और यहाँ पे चढ़ गए आलू। आलू में भी सीटी भरी है, अब सीटी भरी है, निकल जाए। इसका बनेगा पापड़। बस एक कुकर पापड़ बनेगा और चिप्स बनेगी, एक भगोना चिप्स, बाकी और रेडीमेड आएगा। और पिछली बार का भी रखा हम लोग के पास, इसलिए देखो हमारे यहाँ चिप्स उबल गई है। अब ये हम लोग फैलाने आ गए हैं। दीदी उबाल के लाई है छत पे अभी चिप्स, और ये फैल रही है। चिप्स अभी फैला रहे हैं, अभी पापड़ भी बनाएंगे। एक ही दिन में दोनों काम। हाँ है ना, झटपट वाला काम है भैया। हमारे लास्ट में बन रहा है, हमारे घर में सबके यहाँ बन गया है, हम ही पिछड़ गए। अब की साल पिछड़ गए, नहीं तो पहले बना लेते थे ना। हाँ कच्चा आलू आता था, अच्छा नहीं बनता उसका पापड़। आलू अच्छे नहीं आ रहे थे इसलिए नहीं बना रहे थे हम लोग। आज आलू अच्छे लगे थे हम लोग को दुकान में। दुकान में भाई हमारे घर के बगली में मिलता है सामान, बाजार जाने की जरूरत नहीं पड़ती, यहीं से सब सामान मिलते हैं। बाजार जब हम लोग जाते हैं, जब हम लोग को अपना पर्सनल कोई सामान लेना रहता है तब हम लोग बाजार जाते हैं। अरे आज और कल में सूख के सही हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। ठीक देखो पापड़ बन रहे हैं, दीदी अब फैला रही हैं। हो गई धूप बहुत है ना, धूप बहुत तेज है, पापड़ हो जाएंगे सूख के काटा। इतने पापड़ बन जाएंगे और पापड़ आएंगे रेडीमेड। फैसनी वाले भैया पापड़ रेडीमेड आते हैं घर में। आइए देखो घरेलू पापड़ है। अभी इतना ये आलू है, इसको भी बनाते हैं ना? इतना आलू बनना है, अभी इनकी लोई कटेगी, इसमें दबेगा, यहाँ फैलेगा। आइए बन गए चिप्स, ये घरेलू पापड़ है, कल शाम को तल के खाया जाएगा। धूप लग रही है, धूप तेज है, दिख रही हो? दिख रहे हैं, दिख रहे हैं, दिख रही है। देख लो कहते हैं औरतें क्या करती हैं, औरतें देखो धूप में पापड़ बनाती हैं। औरतें ये करती हैं, ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ। ये देखो पापड़ बन के तैयार हो गए हैं। इसमें पड़ा है जीरा, नमक, उसमें पड़ा है केवल नमक, मिर्चा भी है थोड़ा, थोड़ा मिर्चा भी डाल दिया इसमें आलू वाले में। ये बन गया है, अब हम लोग जा रहे हैं नीचे की ओर। ये देखो ये सामान समेट रही हैं, अब हम लोग जा रहे हैं नीचे। नीचे जाएंगे थोड़ा आराम करेंगे, फिर जो थोड़ा बहुत घर का काम होगा वो करेंगे। इनको धूप लग गई है। गाइस हम लोग नीचे आ गए छत से पापड़ बना करके। और मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़। और जो कमी लगे आप लोगों को वो भी बताया करें कमेंट करके कि आप ये गलत कर रहे हैं, उस पर हम सुधारने की कोशिश करेंगे। और कुछ आपको और अच्छा बताया करें तो हम और अच्छी वीडियो बनाया करेंगे। और बस यही मेरा आपसे कहना था। कल मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक लिए बाय बाय गाइस।